जिला कांगड़ा का 17वां और पालमपुर विधानसभा क्षेत्र का दूसरा जनमंच कार्यक्रम राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कंडवाड़ी के खेल मैदान में आयोजित किया गया। जनमंच में मुख्य अतिथि के रूप में विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज ने शिरकत की। जनमंच में पालमपुर विधानसभा क्षेत्र की 13 पंचायतों ने भाग लिया। जिला कांगड़ा का 17वां और पालमपुर विधानसभा क्षेत्र में दूसरा जनमंच राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कंडबाड़ी के खेल मैदान में आयोजित किया गया। जनमंच में मुख्य अतिथि के रूप में विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज ने शिरकत की। जनमंच में पालमपुर विधानसभा क्षेत्र की 13 पंचायतों के लोगों ने भाग लिया। इन जनमंच कार्यक्रम के अंतर्गत आने वाली 13 पंचायतों के लोगों ने 192 प्रार्थना पत्र दिए हुए थे, जिनमें से कुछ लोगों की मांगे भी थी, जिन्हें बजट प्रावधान के लिए सरकार को भेज दिया गया है तथा बाकी का मौके पर ही निपटारा संबंधित विभागों द्वारा किया गया। इस मौके पर विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज ने अधिकारियों से कहा कि लोगों की समस्याओं और शिकायतों के प्रति संवेदनशीलता दर्शाएं और सकारात्मक तरीके से इनका समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करें। कार्यक्रम में ये भी अवगत करवाया गया कि जनमंच से पूर्व की अवधि में लोगों से 247 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें से 21 समस्याएं व 226 लोगों की मांगे थी। मांगों के समाधान के लिए प्रदेश सरकार को पत्र भेज दिया गया और शेष समस्याओं का निपटारा जनमंच दिवस से पूर्व भी कर लिया गया था। इस मौके पर स्वास्थ्य एवं आयुर्वेदिक विभाग द्वारा मेडिकल कैंप का आयोजन भी किया गया था, जिसमें लोगों के स्वास्थ्य संबंधित जांच निःशुल्क की गई और निःशुल्क दवाइयां भी वितरित की गई। कार्यक्रम में विभागों ने स्टॉल लगाकर लोगों को संबंधित सरकारी योजनाओं की जानकारी भी दी। इसके माध्यम से सरकार कोशिश करती है कि जो हमने चुनावों में वादा किया था कि सरकार जो है वो घर द्वार पर हर समस्या का समाधान करने का प्रयास करेगी, तो उसमें माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी के आशीर्वाद से हमारी सरकार हर महीने कोशिश करती है कि हिमाचल के कोने कोने में जाकर के सरकार प्रशासन के काम और सरकार के द्वारा चलाई गई योजनाओं को आप लोगों तक पहुंचाया जाए। इसी के तहत आज ये जो हमारा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कंडवाड़ी है, यहाँ पर आने का मुझे भी मौका मिला है, क्योंकि यहाँ बैजनाथ भी बगल में है और हमारा पालमपुर ये विधानसभा क्षेत्र है। मेरा सिर्फ अधिकारियों से यही निवेदन है, मैं जो शुरू में भी कह रहा था, माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी ने ये प्रयास किया है कि हम लोगों को लोगों की समस्याएं और उसके जो शिकायतें हैं चाहे मांगे हैं उनको सुनने का प्रयास उनके घर में जाकर के हम लोग करें। ऐसा सरकारें पहले नहीं करती थी। आप लोगों को ध्यान में होगा कि सरकारें अमूमन शुरू के 1-2 साल तो लोगों से बचने का प्रयास करती थी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी ने निर्णय लिया और हम सबको कहा, चाहे वो कैबिनेट के लोग थे, चाहे विधानसभा के अध्यक्ष थे, चाहे उपाध्यक्ष हो, हम सबको कहा कि हम लोगों को प्रयास करना है कि लोगों की जो समस्याएं हैं वो जमीन में जाकर उनके घरों में जाकर उनके नजदीक जाकर के सुनने का प्रयास करना।